हम इनशाला अपनी हदीसों के मल्टीपल जो चैप्टर्स हैं हम उनको कंटिन्यू करेंगे थर्सडे फ्राइडे को हम इन श्ला जल असल का जो बाब है जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम शुरू करेंगे जो हमें इन शुमरा सिस्टर पढ़ाएंगी और सैटरडे संडे को हमारा जो दिल को नरम करने वाली हदीसें हैं वही दर्जा हमारा कंटिन्यू रहेगा और मंडे ट्यूसडे से हम अपना जो हमारा वज़ू का बयान था वो हम कंटिन्यू करेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे फिर कोई न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे और वेनसडे को मैं चाह रही थी कि न्यू सिस्टर्स जो हैं वो भी थोड़ा कोशिश करें दर्स व बयान करने की तो इन श्ला जवाजल इसमें फिर हम कोई एक आध हमारे साथ न्यू सिस्टर होंगे जो कि दर्स किया करेंगी तो हमने जो वज़ू का जो बाप था इसमें हमने यहाँ से छोड़ा था जो अशरा आया था ज़िलिजा का उसमें हमने दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया था तो इसको हम अपना कम्प्लीट कर लेते हैं जो वज़ू का बाब है इसे हमने हदीस नंबर दो सौ सत्ताईस आज हम लोग पढ़ते हैं एक औरत ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम फरमाइए हम में से किसी औरत के कपड़े में खैज आ जाए तो वो क्या करे आप साली वसल्लम ने फ़रमाया कि पहले उसे खुरजे फिर पानी से रगड़े और पानी से धो डाले और इसी कपड़े में नमाज़ पढ़ ले यानी अगर कोई ऐसा कपड़ा है जिसको हैज़ लग गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह हमेशा के लिए नापाक पाक हो गए बल्कि आप उसको पाक साफ़ करें जैसा कि बताया गया है खुरजें उसको धोएं पानी से अच्छी तरह से आजकल तो इतने डिटर्जेंट और इतनी चीज़ें अवेलेबल हैं उसको अच्छी तरह से साफ़ करेंगे दाग भी बाकी ना रहे और फिर आप वो कपड़ा पाक हो गया अब आप उसमें नमाज पढ़ सकती हैं सही बुखारी हदीस नंबर दो सौ अट्ठाईस अबू हबैश की बेटी फ़ातिमा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि सल्ल वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुई उसने कहा मैं एक ऐसी औरत हूँ जिसे इसतखा की बीमारी है इसलिए मैं पाक नहीं रहती क्या मैं नमाज़ छोड़ दूँ आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया नहीं ये एक रग का खून है खैज़ नहीं है तो जब तुझे ख़ैज़ आए तो नमाज़ छोड़ दे और जब यह दिन गुजर जाए तो अपने बदन और कपड़ों से खून को धो डाल फिर नमाज़ पढ़ हशाम कहते हैं कि मेरे बाप उर्वा ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि सल्लही वसल्लम ने यह भी फ़रमाया कि फिर हर नमाज के लिए वज़ू कर यहाँ तक के वही खैज़ का वक्त फिर आ जाए तो ये जो इस है ये एक बीमारी होती है जिसमें मुसलसल यानी कि खून बेहतर रहता है ये खैज़ नहीं होता क्योंकि खैज़ तो चंद दिन होता है छः दिन होते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम दस दिन होता है लेकिन ये जो है इसमें कंटिन्यूसली यानी ख़ून जारी रहता है इसको इसखा कहते हैं ये बीमारी है ये, ये खैज़ नहीं है तो नापाक के दिन तो सिर्फ खैज़ के होते हैं उसमें आपने नमाज नहीं पढ़नी होती अगर किसी को इसखा है तो वो नमाज़ पढ़ेगी तो जैसा कि इसमें बताया गया कि एक सहाबिया थी उन्होंने अर्ज़ होकर जो है पूछी कि मैं क्या करूँ मेरा यानी ये, ये इशू है तो क्या मैं नमाज़ छोड़ दूँ तो फरमाया नहीं ये खैज़ नहीं है बल्कि ये रग का खून है तो जो अपने डेज होते हैं ख़ैर के जो उसको अमूमा पता होंगे कि कौन से उसमें मे भी थोड़ा आ, उसको जो खून जारी हो रहा है उसकी अमाउंट में भी डिफरेंस हो तो उसको उससे भी पता चल जाएगा और वैसे डेट भी पता ही होती है तो उन दिनों में वो छोड़ देना नमाज जो जितने उसके डेज हैं छः हैं सात हैं जितनी उसकी नॉर्मल हैबिट है उसको पता है कि लास्ट टाइम उसको इतने डेज आए थे उसके अलावा जो डेज हैं उसमें वो वसल करे और कोई कपड़ा वगैरह रख के जिससे वो अपना यानी खून रोक सकती है वो अपनी नमाज अदा करे और फिर ये भी बताया गया कि वो वजू जो है हर नमाज के लिए दोबारा से करेगी तो ये इसकी कंडीशन होती है कि अगर किसी को बीमारी है किसी भी सूरत में किसी को ऐसी कोई भी बीमारी है जिसकी वजह से बार बार उसका वजू टूट जाता है कोई ऐसा मामला है तो उसके लिए भी होता है कि हर नमाज के लिए वो ताज़ा वज़ू करे और दूसरा ये कि अगर बार बार ऐसा सिलसिला है कि नमाज़ कम्प्लीट होने से पहले ही उसका कोई वज़ू टूटने वाला अमल हो जाता ही नहीं और मुसलसल ऐसा होता है तो उसको शरीय मज़ूर शरीय में कहा जाता है यानी उस सूरत में वो उस बीमारी के साथ ही जो है भले उसका वज़ू यानी किसी कोई टूटने वाला मामला हो भी जाए तो वो उसी में ही नमाज़ पढ़े यानी कोई ऐसे मज़दूर है कोई किसी को ऐसी बीमारी है तो उसके लिए इजाज़त होती है तो इस्तिखासा भी एक तरह की बीमारी है तो इसमें भी यही है कि वो उसल करे और फिर जो है वो अपनी नमाज नॉर्मल जैसे अदा करती थी अदा करे और कपड़ा रख के वो उस खून को रोक ले क्योंकि वो खैज़ का नहीं है ना पाक नहीं है तो इसलिए वो नमाज अदा करेगी आगे से ही बुखारी हदीस नंबर दो सौ उनतीस रवि इसके देख लेते हैं हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला से आप फरमाती हैं कि मैं रसूल अल्लाह सल्त वसलम के कपड़े से जनाबत को धोती थी फिर उसको पहन कर आप सल्ल वसलम नमाज़ के लिए तशरीफ़ ले जाते थे और पानी के धब्बे आप सल्लम के कपड़े में होते थे तो इसमें देखिए कि पानी के धब्बे होते थे तो इससे मुराद है कि सिर्फ जितने हिस्से पे यानी कि दाग होता था जनाबत का आप सिर्फ़ उसी को धोती थी और कपड़ा पाक हो जाता था तो ये आ, आ, इस हवाले हाँ से भी कुछ रसाइल हैं कुछ मैं आपको ग्रुप में भी भेज दूँगी कपड़े पाक करने का तरीका इस तरह से तो उसमें बताया गया कि, कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिस सूरत में कम्प्लीट धोना पड़ता है और कौन सी ऐसी चीज़ें कि जस्ट आप आ, सिर्फ वही हिस्सा जो कि साफ़ नहीं है गंदा हो गया आप सिर्फ़ उसी हिस्से को आप धो लें तो वो कपड़ा आपका पाक हो जाता है तो इसमें देखिए कि जनाबत जिस हिस्से पे लगती थी सिर्फ आप उसी को ही धोती थी तो आप ताला उसी आप ही नमाज पढ़ लेते थे दो सौ तीस मैंने आयशा ताला अनहा से उस मनी के बारे में पूछा जो कपड़े को लग जाए तो उन्होंने फरमाया कि मैं मनी को रसुल्लाम के कपड़े से धो डालती थी फिर आप नमाज़ के लिए बाहर तशरीफ़ तो ले जाते और धोने का निशान यानी पानी के धब्बे कपड़े पर बाकी होते तो उसी से मिलती जुलती हदीस रावी फ़र्क होंगे क्योंकि मुख्तिस साहबा जो है आपसे मसाइल दरियाफ़ फ़रमाते थे तो ये देखिए हज़रत आयशा की शान है हज़रत आयशा से बहुत सारी हदीसें हैं जो कि नकल हैं आपको अल्लाह ताली ने एक, एक बेहतरीन जो है जहन भी दिया था आप जो भी अमल था रसुल्ला का वो याद रखती थी और जो भी शरीयत के मसाइल थे जो कि सहबा को को औरतों के मसाइल और साहबा को जो जो भी चीज़ें आपकी प्राइवेट लाइफ के बारे में क्वेश्चंस होते हैं आप जैसे ये प्राइवेट लाइफ से ही मिलता जुलता क्वेश्चन है कि इस हवाले से मनी के हवाले से पूछा जाए या कोई खैज या इस तरह से तो वो आप जो है बयान आसानी से फरमाती थी ताकि उनको मसाइल क्लियर हो देखिए कि अल्लाह तला ने भी जो शरीय ता फरमाई है उसमें भी ज़्यादातर चीज़ें जो है हमारी यही है कि कौन सी चीज़ें हलाल हैं कौन सी हराम हैं, क्या करने की इजाज़त है क्या नहीं है तो सहाबा को जो भी कन्फ्यूज होती थी वो आप आके सहबियात की बारगाह में अर्ज़ करते थे और आप जो है उसका बेहतरीन उनको तसली बख्श जवाब अदा फरमाती थी तो चल हम अपनी तफसीर को कंटिन्यू करेंगे कल हम जो है मसाइल पढ़ रहे थे जिसमें हमने इद्दत का बयान पढ़ा था कि अगर किसी की वफ़ाद की इद्दत हो तो सूरत में उसने यानी चार माह दस दिन इंतज़ार करना है उसके बाद वो कहीं और निकाह कर सकती है तो उसी से ही कुछ मज़ीद मसाइल आएंगे आज की तवसर में तो हम इसको पढ़ लेते हैं सुरह बकरा आयत नंबर दो सौ पैंतीस आऊजिल्ल الرحمن शैतवनआजी ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من من خطبة النساء أو أكنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا قدة النكاح عقدة النكاح <سؤال> حتى يبلغ الكتاب <سؤال> أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم ولا جناح أُنْهِي نہیں عليكم تم پر فيما اسم جو عرتم إشارة میں به من خطبتي خطبتي के इससे के पैगामे निकाह अन नसाई औरतों को अकनन तुम या तुम छुपाओ फी अनफुसिकुम अपने दिलों में आलमल्ला हो अल्लाह जानता है अन न कुम के तुम न नन्ना जल्द जिक्र करोगे उनसे वाला किन और लेकिन ला तो आद हन्ना ना वादा करो उनसे सिर रन छुप कर इल्ला अन मगर ये कि तुम कहो कल मारूफा दस्तूर के मुताबिक बात वाला ताजि, इरादा करो उकदत निकाह गिरा निकाह का हता यहाँ तक पहुँच जाए इद्दत, इद्दत व आलमू और जान लो अन्ना के अल्लाह याम्फिकम जानता है जो कुछ तुम्हारे दिलों में है फरू सो डरोम और जान लो अनह गफूर हलीम कि अल्लाह बख्शने वाला वाला है जमाने इद्दत में ख्वा तुम उन बेवा औरतों के साथ मंगनी का इरादा इशारा कनाया में जाहिर कर दो ख्वा दिल में छुपाए रखो दोनों सूरतों में कोई मुजायक नहीं अल्लाह जानता है कि उनका ख़्याल तो तुम्हारे दिल में आएगा मगर देखो खुफिया है तो पैमा ना करना अगर कोई बात करनी है तो मारूफ़ तरीके से करो और अकद निकाह बांधने का फ़ैसला उस वक्त तक ना करो जब तक कि इद्दत पूरी ना हो जाए खूब जान लो कि अल्लाह तुम्हारे दिलों का हाल तक जानता है लिहाजा उससे डरो ये भी जान रखो कि अल्लाह बार है छोटी छोटी बातों से दरगुजर फरमाता है तो इद्दत के दौरान अगर कोई किसी से निकाह का पैगाम भेजना चाहे तो उस हवाले से है कि सबसे पहली बात तो यह है कि वेट करना चाहिए यानी कि अपने दिल में ही छुपाए रखें इस बात को या ये कि आप डायरेक्ट औरत से मत इसका इजहार करें लेकिन आप उसके किसी वली से या कोई ऐसा अगर उसका कोई जानने वाला है उससे आप इजहार कर लें क्योंकि डायरेक्ट यानी इस तरह से इद्दत के दौरान है वो तो निकाह पैगाम की इजाज़त अच्छा नहीं होती तो उसमें अगर कोई और वर्ड यानी डायरेक्ट निका की बात ना की जाए लेकिन इशारता कोई ऐसी बात की जाए जिससे उसको आइडिया हो जाए कि वो निकाह में इंटरेस्टेड है तो उसकी इजाज़त है यानी इशारतान कहने की इजाज़त है डायरेक्ट जैसे होता है ना एकदम से यानी डायरेक्ट बात ही निका की की जाए उसकी इजाज़त नहीं है क्योंकि वो इद्दत में है तो फिर अल्लाह ज़ाहिर इंसान के दिल के हाल से वाकफ़ है फरमाया फरमा रहा है कि वो जानता है कि उसका ख़्याल तो तुम्हारे दिल में आएगा तो जो भी बात है वो मरूफ़ तरीके से की जाए और अक्द यही अकद जो निकाह बांधने का फ़ैसला ही नहीं जैसे डायरेक्ट बात की जाए निकाह के हवाले से वो उस वक्त तक ना किया जाए वो फिर फरमाया कि अल्लाह से डरो और ये भी जान लो कि अगर कोई तुम ग़लती ख़त हो जाए तो अल्लाह ताली बुधबार है वो छोटे मोटे ख़तें इंसान की बख्श देता है आयत नंबर दो सौ छत्तीस لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفردوا لهن فريدا ومتعوهن على الموسع موسعي قدره وعلى المقتر وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، لا جناح نهيكم عليكم تبر. इन तल तुम उन तुम तलाक दो औरतों को मालम जो ना तमस्सु हुन्ना तुमने हाथ लगाया हो और तफरीदु मुकर किया हो हुन्ना उनके लिए फ़रीदा महर व वमती हुन्ना उन्होंने खर्च दो अलल मसुई ख़ुशहाल क़दरुह उनकी हैसियत वा अलल वा अलल मुक़तिर और उस पर जो तंगदस्त है क़दरुह उसकी हैसियत मत बिलमूफ़ ख़र्च है दस्तूर के मुताबिक हक़ नाललमोसिन ये लाजिम है निकुकारों पर तुम पर कुछ गुनाह नहीं कि अगर, अगर अपनी औरतों को तलाक दे दो कबल इसके के हाथ लगाने की नौबत आए या महर मुकर हो इस सूरत में उन्हें कुछ ना कुछ देना ज़रूर चाहिए खुशहाल आदमी अपनी अपनी मकदरत के मुताबिक और गरीब अपनी कुदरत के मुताबिक मारूफ तरीके से दे ये हक है नेक आदमियों पर तो अब क्या है ये सूरत के औरतों को एक तो हमने पढ़ लिया था डिटेल में कोई शादीशुदा है तलाक हो गई तो उसका किस तरह से जो है तलाक का मामला होना है लेकिन अगर कोई ऐसी औरत है जिसको तलाक़ दे दी है जिसको अभी हाथ ना लगाया हो यानी उससे सोबत ना की हो या कोई महर भी ना मुकर किया हो यानी अगर महर नहीं मुकर्र किया तो ज़ाहिर है उनका यानी अभी निकाह नहीं हुआ या कोई मतलब ऐसी सूरत है कि निकाह हो गया लेकिन महर उसने अभी कुछ अदा नहीं किया या डिसाइड नहीं किया था कि कितना महर है तो उस सूरत में कुछ ना कुछ देना ज़रूर चाहिए यानी इस तरह रिश्ता जोड़ने के बाद तोड़ देने से बहरहाल औरत का कुछ ना कुछ नुकसान तो पहुँचता है इसलिए अल्लाह ने हुक्म दिया है कि हंसफ मक़ुद उसकी तलाफ़ी करो तो अगर कोई ऐसा है मामला है कि यानी इन मेहर भी नहीं मुकर हुआ और इस तरह से इन्हें डिसाइड था कि निकाह होगा या कोई ऐसा मामला है तो उस सूरत में भी कुछ ना कुछ उनको देना चाहिए क्योंकि ज़ाहिर है जब एक औरत यानी माशरे में आप बता देते हैं कि औरत का फ़लानी जगह रिश्ता हो गया था या फ़लानी जगह उसका निकाह हो गया था और औरत में अलहदगी हो जाए तो जाहिर है वो फिर एक औरत का नहीं एक तरह से कुछ ना कुछ उसका नुकसान होता है यानी उसकी यानी नाम को या जिस तरह से भी आप कहें कि उसको थोड़ा नुकसान पहुँचता है तो इसलिए अल्लाह तक की तलाफी करने के लिए औरत को यहाँ फेवर दी है कि उसको कुछ ना कुछ बात को हुक्म दिया कि उसको कुछ ना कुछ दे और फिर उसमें भी कोई फोर्स नहीं है अगर कोई कुदरत रखता है तो अपनी कुदरत के मुताबिक जितना दे सकता है दे खुशहाल को तो ज़्यादा देना चाहिए जो गरीब है वो मारूफ तरीके से जो दे सकता है वो देगा आयत नंबर दो सौ सैंतीस وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم له لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفو, أو يعفو الذي بيده قدة النكاح

उनके लिए फरीदा महर फनस्सफुन तो नस्फ़ माँ फ़ोरतुम तुमने मुकर कियाफो न सवाए उसके के वो माफ़ कर दें आओ याफू माफ़ कर देजी बेअी ही वो जो कि उसके हाथ में है उदातन निकाह निकाह की गिरा व अन और अगर तेफ़ू तुम माफ़ कर दो अकरबू ज़्यादा करीब है लि तकवा तकवा के परहेजगारी के वला तन सब वो ना भूलो अलफोहसान एहसान न बाहिम इला बिमा त बसीर बेशक अल्लाह ताला जानता है जो कुछ तुम आ, देखता है जो तु, जो कुछ तुम करते हो और अगर तुमने हाथ लगाने से पहले तलाक दी तलाक दी हो लेकिन महर मुकर किया जा चुका हो जिसको इख्तियार में अकद निकाह है नरमी से काम ले और पूरा महर दे दे और तुम यानी मर्द नरमी से काम लो तो ये तकवा से ज़्यादा मुनासिब है आपस के मामला में फयाजी को ना भूलो अल्लाह तुम्हारे काम देख रहा है आ, इसकी जो निसफ वाला था वो उन्होंने यहाँ कम्प्लीट बयान नहीं किया इसको हम एहसन बयान से देख लेते हैं एहसन बयान में इसकी जो तर्जमा है वो ये है कि अगर तुम औरतों को इससे पहले तलाक दो कि तुमने उन्हें हाथ नहीं लगाया हो तो तुम उनका महर भी मुकर कर दिया हो तो मुकर महर का आधा मेहर दे दो ये और बात है कि वो खुद माफ़ कर दें या वो शख्स माफ़ कर दे जिसके हाथ में निकाह की गिरा है तुम्हारा माफ़ कर देना तकवा से बहुत ज़्यादा करीब है और आपस की फजीलत और बुजुर्गी को फरामोश ना करो यकीनन अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल देख रहा है तो पहले पिछले याद देख लेते हैं ताकि थोड़ा डिफरेंस क्लियर हो पिछले हाथ में जो है ये था कि निकाह हो चुका है लेकिन कोई महर नहीं हुआ या ये कि उनकी आपस में कोई ताल्लुक़ काम नहीं हुआ जैसे बताया था हाथ लगाए बग़ैर छोड़ दो तो उस सूरत में क्या था उस सूरत में भी था कि क्योंकि महर कोई मुकर नहीं हुआ तो उनको कुछ ना कुछ दे दिया जाए दस्तूर के मुताबिक और उस यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि अगर तुमने हाथ लगाने से पहले तलाक दी हो लेकिन अगर तुमने कोई महर रख दिया हो यानी अगर कोई महर डिसाइडेड था जैसे निकाह के टाइम पे अमूमन होता है महर डिसाइडेड होता है कि इतने देना है या तो सोने की सूरत में होता है पैसे की सूरत में होता है किसी भी सूरत में होता है तो अब अगर महर भी मुकर कर दिया था और अब तलाक दी है तो ज़ाहिर वो महर तो देना पड़ता है लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ पे ये शरीयत में हुक्म दिया है कि अगर जो है उनको हाथ नहीं लगाया अगर सहबत नहीं की तो फिर उस डिसाइडेड महर का उन्हें हाफ़ देना है यानी उसका आधा महर उनको अदा करना है तो इसमें फिर इसमें भी अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि वो शख्स माफ़ कर दे यही अगर जो लड़की का वली है या लड़की जो है वो चाहे कि मैं कुछ भी नहीं मैंने नहीं, यही नहीं, मैंने मुझे हाफ जो महर है ये भी नहीं चाहिए क्योंकि शरीयत में हाफ़ महर है उस सूरत में तो ज़ाहिर उनका ना रिश्ता कायम हुआ है निकाह हुआ है अलबा लेकिन कोई ताल्लुक कायम नहीं हुआ तो उस सूरत में अगर वो चाहें तो वो मुकम्मल उनको महर माफ़ भी कर सकते हैं तो या वो शख्स जिसके हाथ में यानी कि निकाह की गिरा है यानी कि इससे मुराद खावन है क्योंकि निकाह के गिरा का तोड़ना और बाकी रखना उसके हाथ में ये निसफ़ हक़ के महर माफ़ कर दे यही अदाशुदा हक महर में से निसफ महर वापस लेने की बजाय अपना यह हक के निसफ माफ़ कर दे और पूरे का पूरा महर औरत को दे दे इसे आगे आपस में अफज़ल और एहसान को ना भुलाने की ताक़ीद है कि हक़ के महर में भी इसी फज़ल व एहसान को अख्तियार करने की तरगीब है यही अबल्ला तला ने मर्द को हुक्म दिया कि अगर वो अफजल तरीका यह है कि मर्द कम्प्लीट उसको महर दे दे लेकिन ये कि शरीय में जस्ट हाफ़ है सूरत में कि उनका कोई तल्लक़ायम नहीं हुआ तो जस्ट वो हाफ मह उसको देगा लेकिन अल्लाह ताला ने इसमें भी ये फरमाया है कि वो शख्स जो है अगर कम्प्लीट देगा तो ये चीज़ तकवा के नी ज़्यादा करीब है तो ये तकवा के लिए ज़्यादा मुनासिब है और आपस के मामला में फयाजी से काम लो इन अल्लाह ताली फरमा रहा है कि अपना दिल यही बड़ा रखना फ्याजी रखना एहसान करना इसका मामला करो और जान रखो कि अल्लाह तुम्हारे मामला देख रहा है यानी इंसानी ताल्लुका की बेहतरी और खुश्वार, खुश खुशगवारी के लिए लोगों का बाहम फैज़ाना बर्ताव करना हर एक शख्स ठीक ठीक अपने कानूनी हक़ हाँ पर आड़ा रहे तो इजाही ज़िंदगी कभी खुशगवार नहीं हो सकती तो हर शख्स जो है अगर सिर्फ़ अपने हक हाँ की ही बात करे और अगर वह अफजल तरीका जो तकवा का तरीका उस पर अमल नहीं करेगा तो फिर क्या होगा कि फिर माशरे में बिगाड़ पैदा होगा तो लोगों को आपस में एहसान करना चाहिए सिर्फ इसी आयत के लिए नहीं है आम भी अगर आप ज़िंदगी में अगर आप किसी को उसके हक़ से बढ़ के देंगे तो ये चीज़ तकवा के करीब होगी अगर आप अल्लाह ताला की रज़ा महस पाने के लिए किसी को उसके हक़ से बढ़ के उसके लिए करेंगे तो अल्लाह ताली इस चीज़ को पसंद करता है और फिर अल्लाह तला फरमा रहा है कि आपस के मामला कोई भी हैं ये देखिए जनारिक हुकाम है कि आपस के कोई भी मामलात हैं तो फिजी से काम लो यानी कि एहसान करो लोगों पर

नमाज़ों की नगहदाश्त रखो खसूसा ऐसी नमाज़ की जो मासिन सलाद की जामे हो अल्लाह के आगे इस तरह खड़े रहो जैसे फरमा बरदार ग़ुला खड़े होते हैं तो अब अल्लाह ताला जो है यहाँ पे अल्लाह ताला ने नमाज़ के अकाम बयान किए हैं तो उसमें अल्लाह ताला फरमा रहा है कि नमाज़ यानी किस तरह से अदा करो नमाज़ों की नगहदाश्त करो यानी कि उनकी हफाजत करो कौनी तमदन और माशरत बयान करने के बाद अल्लाह ताली इस तकरीर को नमाज की ताक़द पर ख़त्म फरमाता है क्योंकि नमाज़ ही वो चीज़ है जो इंसान के अंदर ख़ुदा का खौफ नेकियों पाकिस्की के जज्बे और अहकाम इलाही की इतद का मादा पैदा करती है उसे रास्ते पर क़ायम रखती है ये चीज़ ना हो तो इंसान कभी इलाही कवानी की पाबंदी नहीं कर सकता तो आप क्या है कि दिल में तकवा होगा तो आप ये जो शरीयत के अहकाम पढ़ रहे हैं कि ऐसा किया जाए ऐसे हक में दिया जाए निकाह ऐसे होता है तलाक ऐसे होती है ऐसे शरीयत पे अमल करना ये इंसान के दिल में वो तकवा होगा तो तभी इंसान करेगा अगर उसके दिल में ना दीन की कोई है ना शरीय की कोई हैसियत है ना रब के, है के किसी हुक्म की पाबंदी का इसके दिल में ख्याल है तो वो कैसे करेगा तो अब इसमें अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुम जो है अपनी नमाजों की हिफाजत करो क्योंकि नमाज़ ही की वजह से इंसान के दिल में नेकी का जज्बा पैदा होगा वो चाहेगा कि अब मैं अपनी नमाज़ पढ़ रहा पढ़ाऊँ तो मैं इसकी हिफाज़त भी करूँ मैं गुनाहों से भी बचूँ तो नमाज़ उसको ही नहीं उभारेगी अल्लाह ताला की शरीय की कानून की पाबंदी पर यह चीज़ ना हो तो इंसान कभी इलाही कानून की कानून इलाही की पाबंदी पर साबित कदम नहीं रह सकता और आखिरकार इसी नाफरमानी की रूह में बह निकलता है जिस पर यहूदी बह निकले थे तो अगर हमारे दिल में इस तरह से खौफ़ नहीं होगा तो हम भी गुमराहियों का शिकार हो जाएंगे जैसे यहूदी हो गए थे कि सही रास्ता साफ पाने के बाद जानने के बाद वो सीधे रास्ते से अलग हो गए और फिर आगे फरमाया जा रहा है कि दरमिया नमाज़ की जो है खूस पाबंदी करो यहाँ पर जो है सलातलवास्स्ती का लफ्ज़ आया है तो सलातुलवास्ती क्या होती है किसको कहते हैं इस हाले से पढ़ लेते हैं असल में लफसलातल इस्तेमाल हुआ है जिससे मुराद बाज़ मुफसरी ने सुबह की नमाज़ ली है बाज ने ज़हर की बाज़ ने मगरिब बाज़ ने ईशा लेकिन इनमें से कोई कोल भी रसूल अल्लाह रसूल्ला अलैहि आल वसलम साबित नहीं है सिर्फ अहले तावील का इस तन है सबसे ज़्यादा क़ाल नमाज़ असर के हक़ में है और कहा जाता है कि नबी सल वसल्लम ने इसी नमाज़ को सलातुलवास्था करा दिया तो सलातुल्वस्था वैसे भी देखा जाए तो दरमियान की नमाज़ तो दरमियान में जहर और असर ही आती हैं और जहर से भी ज़्यादा असर की नमाज़ डिफ़िकल्ट है तो सबसे ज़्यादा जो के कौन है वह है कि नमाज जो दरमियान की है उसकी सबसे ज़्यादा खसूसियत के साथ हफाजत की जाए यानी असर की नमाज़ की लेकिन जिस वाक्य में नतीजा निकाला जाता है वो सिर्फ़ यह है कि हिसाब के मौके पर नबी सल्ला वसल्लम को मशरकिन के हमले ने इस दर्जे मशहूर रखा कि सूरज डूबने को आ गया आप वसल्लम नमाज असर ना पढ़ सके उस वक्त आप तसलम ने फरमाया खुदा लोगों की कब्रें और उनके घर आग से भर दे इन्होंने हमारी सलात वस्ती फ़ोत करा दी तो ये हदीस है जिसमें एग्जैक्ट सलात का लफ्ज आया है मौका क्या था हिजाब थी और कुफ़ार मुश्रकिन हर तरफ़ से आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ से हमला कर रहे थे आ, ये गज़ा खंदक भी इसको कहते हैं जिसमें खंदक खोदी गई थी तो इसमें हमें पता है कि कई सारे लश्कर इकट्ठे होकर आ गए थे हमला करने तो इस पे क्या था कि हर तरफ़ से मशरकिन हमला कर रहे थे और सूरज डूब गया और आप नमाज असर अदा ना कर सके तो आपने फिर सुनाते वस्ती कल्फ हदीस में इर्शात फरमाया था ये वो मौका था जब रसुल्ल तल वसल्लम ने उन मुशन के लिए बद्दुआ दुआ की और बद्दुआ की रीज़न भी यही थी कि उन्होंने आपकी ये जो नमाज़ है वो कज़ा करा दी असर और इसको आपने फ़रमाया कि अल्लाह तब्रों और घरों को आग से भर देने उनके लिए बदुआ फरमाई क्यों क्योंकि उन्होंने हमारी सलात वस्ती जो है वो फ़ोत करे सलात वस्ती तो वो थी कि जिसका पाबंदी से हुक्म था कि सलातलवास्स्ती की खसूस पाबंदी करो तो इसलिए फरमाया कि उन्होंने सलात वस्ती जो है हमारी फोत करा दी तो इससे जो है ज़्यादातर ये जो है बयान करते हैं कि सलात वस्ती जो है वो असर की नमाज़ है इससे यह समझा गया कि आप सल्लल्लाहु सल वसल्लम ने नमाज़ असर को सलात वस्ता फ़रमाया हालांकि इसका मतलब हमारे नज़दीक ज़्यादा करीब है सवाब है कि इस शगू ने अली दर्जे की नमाज़ हमसे फ़ोत करा दी ना वक्त पढ़ने पड़ेगी जल्दी जल्दी अदा करनी होगी खुश व इत्मीनान और सुकून के साथ ना पढ़ सकेंगे वस्ता के मानी बीच वाली चीज़ के हैं ऐसी चीज़ के भी हैं जो आला और अशरफ़ है सलात व से मुराद नमाज़ बीच की नमाज़ भी हो सकती है और ऐसी नमाज़ भी जो सही वक्त पर पूरे खुश व के साथ पढ़ी जाए जिसमें नमाज़ के तमाम खूबियाँ मौजूद हैं बात का फिक्र है कि अल्लाह के आगे फरमा बरदार बंदों की तरह खड़े हो खुद इसकी तफसीर कर रहा है कि इसमें यह भी फरमाने कि ज़रूरी नहीं है ये किसी स्पेसिफिक टाइम की नमाज़ हो बल्कि सलातुलवस् उसको कहते हैं जो इंसान अली दर्जे की नमाज़ पढ़ता है यानी कि पूरे वक्त के साथ खुश व खुजू के साथ अच्छे तरीके से अल्लाह के आगे अदा करे उसके बंदा बन के उसका फरमाबरदार बंदा बन के अदा करे तो उसको कहा गया कि वो सलातुल गुस्ता है तो आगे इसे कंप्लीट कर लेते ताकि फिर नेक्स्ट टॉपिक आगे शुरू हो रहा है वो कल से कंटिन्यू करेंगे आयत नंबर टू थर्टी नाइन फैन खिफ तुम فراجلا أو ر... أو ركبانا فإذا ماتوا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون فإن خفتم أجر تم دار هو او ركباناً يا سوار فإذا او جب अमे तुम तुम अमन पाओ फस करो तो याद करो अल्लाह अल्ला को कमा जैसा कि आमाकुम उसने तुम्हें सिखाया है मालम तकून तुम ना थे तेलमून जानते बदमनी की हालत हो तो ख्वा पैदल हो सवार जिस तरह मुमकिन हो नमाज़ पढ़ो जब अमन मैसर आए तो अल्लाह को इस तरीके से याद करो जो उसने तुम्हें सिखाया है जिससे पहले तुम ना वाकिफ थे तो इसमें अल्लाह ताली ने आ, आसानी फरमा दी कोई ऐसी हालत है बदमनी की जैसे ग़ज़ एसाब का मौका था या कोई भी हमारे यहाँ कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन है कि आप आसानी से होता है ना जैसे मुकम्मल खुश व खजू के नमाज अदा की जाए वो आप ना कर सकते हो तो उस सूरत में क्या फरमाया जा रहा है कि खा तुम पैदल हो सफ़र में हो किसी भी हालत में हो जिस तरह से भी हो नमाज़ पढ़ लो अक्सर ऐसे जैसे सफ़र पर होता है तो उस तरह से गाड़ी में बैठे बैठे पढ़ रहे होते हैं या उस तरह से कम्प्लीट नहीं पढ़ पाते तो उसमें फरमाया जा रहा है जैसी हालत है पढ़ लो उस वक्त जब अमन मयसर है तो फिर अल्लाह को जैसे हम घर में अपने अमन से नमाज़ पढ़ते हैं सुकून से अदा करते हैं वज़ू करते हैं सुकून से नमाज अदा करते हैं तो फिर मैं जब अमन मैसर हो तो अल्लाह को अच्छे तरीके से याद करो और फिर उसमें अल्लाह तला, तला फरमा रहा है कि उसका इन्हें एहसान है कि उसने तुम्हें सिखाया है वो चीज़ें सिखाई हैं जो तुम पहले नहीं जानते थे इन्हीं नमाज़ हमें अल्लाह ताली ने यह ताला अता फरमाई है हमें सिखाई है हम तो कुछ नहीं जानते थे तो हमारे दिलों का चैन अल्लाह की याद में है तो उसका एहसान है कि उसने हमें यह दीन अता फ़रमाया और ये शरीयत अता फरमाई और नमाज की तोफ़ी अता फ़रमाई कि हम उससे रुजू कर सकें उससे बात कर सकें अल्लाह ताला से दुआ करते हैं आज की हमने जो तफसीर में सुना है इन मसाइल को इन शरीय मसाइल को हमें याद रखने की तोफ़ी अता फ़रमाए हमारे जहन को वसी फरमाए ताकि हम ये शरीयत के मसाइल जो है याद भी कर सकें और अमल भी कर सकें और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं जो भी हमने हदीसी मबारका में भी फ़िक्स मसाइल पढ़े अल्लाह ताला हमें उनसे भी अमल में इजाफ़ा फ़रमाए कोई गलती कोतई हो गई हो तो उससे दरगुजर फ़रमाए और हमारे इल्म में इजाफ़ाता फ़रमाए आमीन बिजाह नबीन साल वसलम असलात वाल रसोल्ला हबी वमद بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.